नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं जिस तरह से लगातार बस्ता फलिया इस वक्त मैं यहां पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख रहे हैं पीछे जबरदस्त तैयारी जो है नवरात्र को लेकर चल रही है। कल से माता रानी, माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी दुर्गा जी का जो पूजा स्थापना होता है इसके ऊपर शुरुआत जो है वो हो जाएगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे 9 दिनों तक गुजरात एवं आसपास विस्तार के साथ साथ हमारा प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में भी नवरात्रि की धूम देखने को मिलने वाली है। इस वर्ष बहुत दिनों बाद जो है बस्ता फलिया विस्तार में भी जो प्रचलित रहा है दादरा नगर हवेली के गरबे का, ये टाइम इस वक्त यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और तमाम चीजें जो है खासतौर पर यहाँ पर लाइट्स वगैरह की जो सुविधाएं हैं उस पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत ही तकनीकें जो चीजें हैं आज के दौर पर जिस तरह से लगेगी इस चीज पर, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। और तमाम जो जगह है टोकर खड़ा हो गया, साथ ही साथ खास तौर पर रोटरी क्लब जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं जो है वो वहाँ पर उपलब्ध करा रहा है। उसके साथ कई सारी चीजें ऐसे दिखा रहा है कि जिसमें लोगों को किस तरह से उसकी फैसिलिटी मिलेगी। साउंड के साथ साथ तमाम चीजें नवरात्र में बहुत मायने रखता है, और ऐसे में हर जगह पर तो अलग अलग चीजें होगी। जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक भव्य स्टेज जो है बनाया गया है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि नवशक्ति युवक मंडल द्वारा जो है ये वर्षों से यहाँ पर नवरात्र का त्यौहार जो है यहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता था। हालांकि चर्चा इस चीज की भी जोरों में चल रही है, गुजरात में जिस तरह से सुबह के 5 बजे तक का परमिशन दिया गया है, क्या दादरा नगर हवेली प्रशासन भी इस पर सोचेगी, विचार करेगी, ये बात काफी चर्चा में हो गया। हालांकि जिला प्रशासन इस पर किसी तरह का अभी तक औपचारिक तौर पर कोई चीजें यहाँ पर चालू नहीं हुई। देखिए लाइट्स किस तरह से बेहतरीन यहाँ पर लगा है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा बड़े ही अच्छे तरीके से। और खास तौर पर आज आखिरी दिन है, लाइट्स ट्रायल बेस पर भी चलाया जा रहा है, और खास तौर पर आज जो है बेहतरीन लाइटिंग जो है पूरी प्रदेश में अलग अलग पंडालों में अलग अलग मंडपों में जो है देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में नवशक्ति युवक मंडल द्वारा जो आप यहाँ पर सार्वजनिक नवरात्रि महोत्सव 2024 का आयोजन का बोर्ड आप देख रहे हो, देखिए खास तौर पर हर चीज की खासियत यहाँ पर ध्यान रखी जाती है। खास तौर पर दादरा नगर हवेली जिला की जो है इसके सांसद साहिबा जो है कलाबेन डेलकर जी, उनका टीम यानी स्वर्गीय सांसद मोहन भाई डेलकर जी का जो है वो खास गढ़ माना जाता है ये विस्तार। और ऐसे में उनका ये शुरुआती तौर से उन्होंने ये चीज की शुरुआत यहाँ पर करवाई थी उनके द्वारा, यानी कमलेश पटेल और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर की गई थी, उसको लेकर इस बार भी उस चीज को बड़े ही तौर पर दिखाया गया है। और उसके साथ सेफ्टी के भी खास किस तरह से ध्यान अलग अलग विस्तार में दिया जाएगा, किस तरह से मंडपों में की जाएगी, ये सारे जगहों पर सारी चीजें बड़ी ही तौर पर रहती है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इस बीच में अपना काफी मुस्तैद नजर आती है, और तमाम विस्तारों में लगातार ये पहरे देते हुए नजर आती है तमाम जगहों पर किस तरह से चीजें चल रही है, किस तरह से लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं किसी चीज में खलल ना पड़ जाए, किसी नवरात्र गरबे पंडाल में किसी का खलल ना हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आती है। तो हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय किया जाए, माता की भक्ति की जाए, और साथ ही साथ ऐसी कुछ गतिविधियां जहां पर कुछ इनलीगल चीजें हो रही है, गलत हो रहा है, लग रहा है कि इस पर आवाज उठानी चाहिए, तो उसे फौरन जो है 112 की मदद से स्थानीय पुलिस बल को भी उसकी जानकारी दें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके आस पड़ोस के लोग सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे। फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक ले जय हिंद, जय सिलवासा।